देशातला आजचा सर्वाधिक भ्रष्ट पक्ष काँग्रेस आहे. महात्मा गांधी ज्या काँग्रेस पक्षात होते तो काँग्रेस पक्ष आता उरला नाही. आजची काँग्रेस देशात द्वेष पसरवत आहे. तुकडे तुकडे गँग आणि अर्बन नक्षलवादी काँग्रेस चालवत असल्याचा गंभीर आरोप देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला. वर्धा येथे आज स्वावलंबी विद्यालयाच्या मैदानावर पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या लाभाचं वितरण, अमरावती येथील पीएम मित्र पार्कचा शुभारंभ आणि आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास योजना व पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर महिला स्टार्टअप योजनेचा शुभारंभ प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी मंचावर राज्यपाल डॉ सी पी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेस पक्षावर चांगलाच हल्लाबोल केलेला आहे. साथियों, आज जो काँग्रेस हम देख रहे हैं ये वो काँग्रेस नहीं है जिससे कभी महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष जुड़े थे. आज की कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है. आज की कांग्रेस में नफरत का भूत दाखिल हो गया है. आप देखिए, आज कांग्रेस के लोगों की भाषा, उनकी बोली विदेशी धरती पर जाकर उनके देश विरोधी एजेंडे, समाज को तोड़ना, देश को तोड़ने की बात करना, भारतीय संस्कृति और आस्था का अपमान करना, ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं. आज देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है. देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कोई है तो वो कांग्रेस का शाही परिवार है.